लास्ट टाइम जी तथा अपील थे सी ऑनरेबल हाई कोर्ट में अज के लिए तारीख दिनी वही हुई इन में ब चार पिटिशंस गड लगल हुई तो कनेक्टेड हुई लास्ट टाइम जज साहब एकड़े बे जज साहब दे जी शाह साहब उन्होंने ट्रांसफर कियो इन जे लाए तो उन्होंने यो मैटर बुधो ऑलरेडी तो वो बुधी करे डिसाइड कर पर अज अनफॉर्चुनेटली का प्रोग्रेस न थी सकी उन वजह यह हुई तो अक्यूज पार्टी डेलिबरेटली जो पिटिशंस हुई वो गड करायू हुई चार पिटिशंस गड हुई उनके करे यो एकड़ो बर्डन हुयो कोर्ट से तो एक दिए में चार का पंज पिटिशंस बुधी एंड डिसाइड न थी कर सकजन इन करे अज हाई कोर्ट उ पिटिशंस जो अलग अलग तारीख दे जल्द अज जल्द डिसाइड कर वे हि डिलेइंग टेक्टिसन भी का वजह ना है जडे ट्रायल कोर्ट में एविडेंस रिकॉर्ड थी रहा जडे ट्रायल कोर्ट में केस हले तो सरदार बुजदिल भोतार जडे हाई कोर्ट के अंडरटेकिंग दई आया कसमनामो दई आया तो वही कर ट्रायल हलाइंदासी तो पो ही हिते पिटिशंस दाखिल करण कोर्ट्स जो असो टाइम वेस्ट करना इन ही प्रैक्टिस शुरू का वी छह साल तदी अस केस मुकम्मल न थी सको सिर्फ इन इन प्रैक्टिस के करे तो ही डिले कर चाहन था ही नथा चाहन तो केस हले ही नथा चाहन तो कई प्रोग्रेस थे पर अज ऑनरेबल हाई कोर्ट अलग अलग तारीख रखी अस यही रिक्वेस्ट कई तो केस हलायो हलाए करे फैसलो दियो असो खुदा की जात से यकीन है अदालतन से यकीन है पुर उम्मीद आयो तो इंसाफ थी एकड़ी शिकायत जरूर है जो हमेशा कई है छह साल तो मुख्य यो ही दर है अदालतन जो अस अचू था सिर्फ इन लाइ तो कई प्रोग्रेस थे पर जैसे प्रोग्रेस नी थे तो ये रुख्य वक्त है तो उम्मीद रखू था जो नेक्स्ट तारीख अठ मिली है उन में का प्रोग्रेस थी केस हल फैसलो इंद इंशाला यो ही यकीन है तो अदालतों मजलूम से गुड अगली जुर्मान जो वकील साहबान मौजूद हुआ तो उन्होंने यही शे चई जाहिर ऑनरेबल हाई कोर्ट क्लियर किया तो एक डी में अस पंज पिटिशंस बुधी कर उन्होंने क्लियर ना कर सकूँ तेज कर नेक्स्ट तारीख असठ मिली इंशाला इंदी केस परसू कूँ।